नमस्कार, कॉफ़ी विद हिसार टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बीजेपी के एक कद्दावर नेता कहे जाने वाले सुजीत कुमार जी से। वैसे वो तो हैं जिला महामंत्री, लेकिन उनका राजनीतिक सफ़र वाकई में जो शुरू हुआ है काफ़ी दशकों पुराने से है। वो न केवल आरएसएस के कट्टर समर्थक भी हैं, बल्कि बीजेपी की अंदरूनी जड़ों को मजबूत करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम कॉफ़ी विद हिसार टुडे में सीधे उनके पास चलते हैं। और सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि इधर हिसार की जो बीजेपी की ताकत है उसको मजबूत करने में कहीं ना कहीं सुजीत कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। संगठन के सिपाही हैं, संगठन के आदेश अनुसार संगठन की नीतियों को जन जन तक ले जाते हैं, इसलिए संगठन में जो आप यह स्थान हमें दे रही हो इसमें हम पूरा निष्ठावान के साथ लगे हुए हैं, इसी कारण से ये आश्रय आपने हमें दिया। लेकिन सर, वाकई में आप बताइए कि कितना मुश्किल था यहाँ पे हिसार में जब आप आए थे पहली बार, कौन से साल में आए थे, और कितना मुश्किल था आपको यहाँ के लोगों को मजबूती करना, यहाँ पे बीजेपी की ताकत को बढ़ाना, क्योंकि एक चुनौती भी थी उस दौरान। मेरे जीवन में नया जन्म, और वो भी जन्म इस ऐसे माँ के कोख से जहाँ पर बिल्कुल वीरान, जहाँ पर मेरा कोई भी नहीं था भगवान के अलावा, मगर जो प्यार बाद में मिला वो अपनों से भी ज़्यादा मिला। मगर उस समय जब मैं 2001 में यहाँ बिजनेस करने आया, 2003 में मैंने राजनीति में हिस्सा लिया, उसके बाद मैं चुनौतियों का सामना करते हुए, और कई बार मेरे मन में ऐसा आया कि मैं इस राजनीति को छोड़ दूँ, इस स्थान को छोड़ दूँ और मैं संसार ही छोड़ दूँ। जो इतनी मुसीबतें मेरे ऊपर यहाँ पर आई प्रशासन के तरफ से भी, अपने संगठन में भी कुछ लोग ऐसे मिले जिनका साथ नहीं मिला, परीक्षाएं इतनी ज़्यादा हुई कि कई बार जो स्थान मिलना चाहिए राजनीति में वो काम करने के बाद भी नहीं मिला, मगर ईश्वर ने कृपा की, जो हमने सब्र किया उसका फल मिला बाद में। क्या आपको लगता है कि बाहरी होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, कि आपको जो आपके जो आपको मिलना चाहिए था पद बहुत साल पहले, वो अभी तक आप उससे वंचित हैं कहीं ना कहीं? इसका फ़र्क शुरुआत में पड़ा था, मगर अब इस चीज़ को पूर्ण विराम दे दिए पार्टी वालों ने भी, हमने भी, जनता ने भी। हिसार के लोकप्रिय जनता ने जो मान, जो सम्मान, जो समर्थन दिया, जो जिनका स्नेह इतना ज़्यादा मिला कई कार्यक्रम के माध्यम से, तो आज वो प्यार उस बाहरी शब्द पर भारी पड़ गया, उस समर्थन, उस स्नेह, उस चीज़ को दबा दिया। और शुरुआत में काफ़ी संघर्ष में 13-14 साल किया, और जब भी पद और कद की बात आती थी तो लोग कहते थे कि आप यहाँ के नहीं हो, मगर अब ऐसी बात नहीं है। आज जब पदभार की बात की जाए, अभी तो आप जिला महामंत्री का पदभार संभाल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सर महत्वपूर्ण पद है, जैसे आपने बताया कि अध्यक्ष के तौर पे भी, जिला अध्यक्ष के तौर पे भी आप संभाल चुके हैं। सर, कैसा रहा था वो सफ़र, और कौन कौन से जो होते हैं ना कदम को पार करते करते, सीढ़ियाँ पार कर करके आप आगे बढ़े हैं? मैंने 2002 में एक छोटा सा, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रथम इकाई होती है मंडल में मैं मात्र उपाध्यक्ष बना। मंडल में उपाध्यक्ष बनने के बाद मात्र 2 महीने में मैं जिले का उपाध्यक्ष बना, 5 महीने में मैं विभाग का मीडिया प्रभारी बना, 1 साल में मैं प्रदेश का कार्यकारी मीडिया प्रभारी बना, उसके बाद अनेकों पद पर आ, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में सचिव रहा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, इसके बाद लोकसभा का प्रभारी रहा, मीडिया का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे थे, मैं उसका मीडिया प्रभारी रहा, रेवाड़ी में सुधा यादव का मीडिया प्रभारी रहा। ऐसे विभिन्न पदों पर रहते हुए आज मैं एक सबसे युवा महामंत्री पूरे प्रदेश का हूं, जो लगातार 2 बार महामंत्री रहा। जहां तक जिला अध्यक्ष की बात कर रही हैं आप, मेरा परम सौभाग्य रहा है, मेरी किस्मत, मेरे ऊपर भगवान की कृपा ऐसी रही कि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें मेरे को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हिसार में आए थे, उनका स्वागत करने का भी मेरे को इस श्रेय प्राप्त हुआ जिला अध्यक्ष के तौर पर। और मैंने
विधानसभा की दो सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जितवाने का श्रेय भी मेरे को प्राप्त है, जिला अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर कमल गुप्ता जी और आपके कैप्टन अभिमन्यु जी। उसके बाद भी सुरेंद्र पूनिया जी बरवाला से अच्छा चुनाव लड़े, सीमा गैबीपुर अच्छा उकलाना से चुनाव लड़ी, आदमपुर जैसे हल्के में रनौलिया जी चुनाव अच्छा लड़े, इसी तरह से सारा प्रोफेसर छत्रपाल अच्छा चुनाव लड़े, नलवा में भी मास्टर रेज सिंह को हमने लड़वाया। कुल मिलाकर अच्छा मतलब हमारे को अनुभव मिला और उस समय में जिला अध्यक्ष रहा जो सभी कार्यकर्ताओं की किस्मत में नहीं होता। इतने साल आपने मेहनत की है, आपको नहीं लगता कि आपको जो फल मिलना चाहिए था अभी तक वो फल मिला नहीं आपको पार्टी में रहते हुए? नहीं मिलेगा, फल की चिंता तो हम करते नहीं मैडम, और फल मिल रहा है कि आज संगठन में इतना ज़्यादा सम्मान है। महामंत्री पद कोई छोटा पद नहीं है, महामंत्री हमें पार्टी बनाए तो ऐसा नहीं कि मैं ही काबिलियत इस पद के लिए था, मेरे पास ही काबिल मतलब सारी चीज़ें हैं। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो इस पद को शोभा बढ़ा सकते हैं, मगर जब मेरे को बनाया गया है तो कुछ न कुछ हमारे को सोच कर बनाया गया है और वो पूर्ण विराम बाहरी शब्द पर लगाया गया है। अभी फिलहाल सुजीत जी आप ये बताइए कि क्या लगता है कि अभी की जो रणनीति आप देख रहे हैं, हिसार की जो राजनीति देख रहे हैं, उसमें बीजेपी कितनी मजबूत है या बीजेपी को अभी भी और तैयारियां हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है? आज के दिन में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, पूरा हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और जहाँ तक हिसार जिला की आप बात करेंगे, हिसार जिला जैसा संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी भी और प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि ऐसा संगठन पूरे प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर काम करने की ज़रूरत हमें है, सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाने की ज़रूरत है। संगठन में हमारे 5000 से ऊपर सिपाही तैयार हैं, किसी भी तरह के चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और जीत अवश्य होगी भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर ऐसा क्यों था कि कल की सभा में चेयर्स खाली थे? ऐसा है जी, कल की जो रैली थी चेयर खाली तो हम नहीं कह सकते, एक कम समय में मात्र 3 दिन 4 दिन पहले रैली फाइनल हुई, और रैली भी उस स्थान पर हम लोग रखे थे जहां पर कोई कॉलोनी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई सारे एक कार्यकर्ता भी बाहर से लाना पड़ा था। इस समय कटाई का सीजन चल रहा है, कुर्सियां खाली नहीं थी, कुर्सियां जो आप लोगों ने और मीडिया ने अखबार में लगाई, कुर्सियां तो किसी भी समय खाली लगाई जा सकती है जी, मगर हमारे पास जो तस्वीर है कुर्सियां भरी हुई थी। सुजीत जी आप ये कह के तो उसको मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सर वास्तविक तौर पर आपको क्या लगता है कि आपको एक मेयर कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है और ऐसी जो रैलियां होती हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं आपके प्रति, आपकी तरफ लोग जो नेता हैं वो भी देखने का दृष्टिकोण बदलता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, मेयर के दावेदार के रूप में आपको देखा जा रहा है आज के दौर में? हमारे समर्थक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पूरा हिसार जिला ने एक मन बनाया कि हिसार मेयर के लिए सुजीत कुमार आप तैयार हो जाओ, मगर मैं अपने मन में ये मान रखा हूँ कि मैं जनता की सेवा नलवा विधानसभा में करूँगा, तो मेरे लिए तो विधानसभा में ही जाने का मेरा मन है, अगर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते हमें टिकट मिली तो, और नहीं तो फिर हम काम करेंगे। तो अपना अब एक तरफ ही मन है कि विधानसभा नलवा को मजबूत करना है, पूरे हिसार जिला के संगठन को मजबूत करना है, मेयर के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इस सीट पर काबिज होकर शोभा बढ़ाएंगे। यानी आप अभी से ऐसा कह रहे हैं कि आप मेयर के लिए, आपको अगर नहीं दिया जाए तो दूसरों को मौका देने के लिए आप मतलब रेडी हैं, आप समर्थन करें? हम मेयर के लिए बिल्कुल अपना नाम, हमारे से संगठन ने पूछा, मैंने मना कर दिया कि मैं मेयर के लिए इच्छुक नहीं हूँ, बाकी संगठन चाहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, संगठन से ऊपर तो मैं हूँ नहीं, मगर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं नलवा विधानसभा में काम कर रहा हूँ, मेरा नलवा विधानसभा में कैमरी गांव है, मेरा सेक्टर 15 में घर है, मैंने उनकी सेवा की है और आगे भी वहीं सेवा करने का मौका मेरे को दिया जाए। आज बीजेपी की जो ताकत है हिसार में मजबूत हो रही है, काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता हैं अन्य पार्टियों से बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? आधा दर्जन कार्यकर्ता इस 2-3 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये शुभ संदेश है, आने वाला समय मात्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी
होने के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी के नीतियों और मनोहर लाल खट्टर की सरकार की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। कल माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बोला कि ये तो ऐसी हवा बनी हुई कि गांव के भी लोग अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने लगे हैं। बहन जी, आने वाले समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी पूरे देश में। नलवा की अगर बात करें तो नलवा में किस प्रकार का रुख है और आपका क्या काम वहाँ पे बोल रहा है? कमल का फूल खिलेगा, मेरा काम, मेरे कार्यकर्ताओं का काम और वहाँ पर जो भी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर खड़ा है वहाँ पर आप कमल का फूल इस बार खिलते हुए देखेंगी और भारी मतों से विजयी वहाँ कमल का फूल होगा। पूरे 90 विधानसभा में सबसे हॉट सीट आज नलवा विधानसभा की है, सबसे गर्म जोशी के साथ वहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। आपको क्यों लगता है सर कि नलवा में बीजेपी का कमल खिलेगा? काम हमने किया है जी वहाँ के लोगों के पास। आप एक बात बताइए, हमारा विधायक नहीं, हमारा कोई पार्षद नहीं, हमारा कोई सरपंच नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने वहाँ पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये जनता को दिख रहा है कि जहाँ पर अपना विधायक नहीं फिर भी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह करके वहाँ 400 रुपए का खर्च किया। दूसरी चीज़ ये, वहाँ पर पिछला चुनाव वहाँ पर भजन लाल जी के बेटे चंद्रमोहन जी लड़े, लड़ने के बाद में वो घर बैठे हुए हैं। संपत्ति जी लड़े, संपत्ति जी गाँव में नहीं जाते, उनका बेटा जाता है, पुत्र जाता है। और वर्तमान जो विधायक है अपने रणवीर गंगवा जी, वो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। अरे सरकार बिना रहे, बिना विधायक रहे सब कुछ किया जा सकता है। जब हम लोग शुरुआत से अब तक करते आए, जब सरकार थी तो भी किए और नहीं थी तो भी किए। आप भी इस तरह के बहाना बना रहे हो तो लोगों ने उनको नकार दिया है, लोगों ने हम लोगों को अपनाया है। और आप देखती हैं कि पद यात्रा मैं गाँव में कर रहा हूँ, पद यात्रा के माध्यम में हुजूम गाँव का मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर गंगवा जी की बात करें तो उनका क्या काम से आपको लगता है लोग संतुष्ट नहीं है जो बीजेपी को ऊपर मोहर लगाएंगे? रणवीर गंगवा जी सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहते हुए एक भी ऐसी ढानी नहीं है जहाँ पर उन्होंने पैसे दिए हों बिजली के लिए, जबकि सांसद कोटे से दिए जाते हैं। विधायक रहते हुए कई बार हम अखबार के माध्यम से हम ये सुनते हैं कि मैं SYL पानी लाऊंगा, मैं फलाना लाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, उन्होंने किया कुछ नहीं। और आजकल तो घर में इतना ज़्यादा गृह युद्ध हो रखा है कि उनके दुष्यंत जी का ये जीतना मुश्किल है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आपने सर बड़ी बात कही है कि दुष्यंत जी का जीतना मुश्किल है, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि NLO की ताकत तो यहाँ पे भी है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार में यही युद्ध हुआ था जो यहाँ हो रहा है और नामो निशान मिट गया। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, आप कहीं का भी देख लीजिए, वही हाल यहाँ पर होने वाला है NLO पार्टी का। आपको लगता है दुष्यंत जो उनकी खुद की फैन फॉलोइंग्स इतनी ज़्यादा है, इतने युवा कार्यकर्ता उनके साथ है, तो क्या BJP उनको आसानी से टक्कर दे देगी? ऐसा है जी कि ये फ्रेंड्स, ये युवा, ये सब समय के साथ, वक्त के साथ रहते हैं। वक्त अब उनका घिर रहा है और वो सब बदलते जाएंगे। कभी किसी वक्त आप देख लीजिए, 5 साल पहले देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई आने वाला नेता हम लोग ताना सुन सुन कर, मेरे को तो लोग कहते थे कि ये तो एक ऐसा नेता है पागल हो चुका है। अरे तेरे पल्ले कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीवन में नहीं आएगी। आज आप देख लीजिए, तो ये तो हवा के साथ, जब वक्त उनका था जब उनके दादाजी नकार दिए, पिताजी जेल में हैं, अकेला बच्चा क्या करेगा, चाचा नकार दिया, तो इस तरह से दोस्त भी नकार देंगे। फिलहाल सर हिसार की हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का भी जो फैमिली है उनके, वो भी इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ के तैयारियां कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए जो चुनौती कांग्रेस भी है? कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो सोनिया गांधी से भी ज़्यादा विदेश में रहने लगे, 24 घंटे अपने हीरे के व्यापारियों के लिए विदेश में रहते हैं। कितने सालों के बाद बेटा और उनकी धर्मपत्नी झाड़ू उठाकर सफाई अभियान का उन्होंने संदेश दिया। वो अपने कोठी में, तो पड़ोसी दोनों भाई हम लोग हैं, वो दिखाई नहीं देते, इसलिए उनका तो अब वो जनाधार ही ख़त्म हो गया। जब मोदी जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उस लहर में हार सकता है तो वो एक चीज़ आप मान लीजिए जीवन में कभी नहीं जीतेगा, सच्ची बात है ये।
उस लहर में जो हार गया वो कभी जीत ही नहीं सकता। अभी आपको लगता है कि कुछ फ्यूचर नहीं है कांग्रेस का? कांग्रेस का तो फ्यूचर थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, इनका तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कुलदीप जी का, कुलदीप जी का परिवार का, कुलदीप जी का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा उनके कामों में अड़चन डालती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना काम करती है, विकास के नियत से काम करती है, किसी के कामों में अड़चन नहीं डालती और ना हम किसी के तरफ ध्यान देते हैं, हम अपने कामों की तरफ ध्यान देते हैं। जी ये बताइए कि लोग बीजेपी को ही क्यों प्रेफर करेंगे, क्यों चुनेंगे बीजेपी को, कमल पर मोहर क्यों लगाएंगे? 4.5 साल के नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में एक दाग नहीं लगी, मनोहर सरकार के कार्यकाल में एक दाग नहीं लगी। इतनी 25,000 युवाओं की नौकरियां देने के बाद भी अगर लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी की ट्रांसफ़र, किसी की नौकरी के लिए 1 रुपये कोई रिश्वत दिया हो, कोई रिश्वत लिया हो, ये सारी नीतियां, ये पहली बार अजूबा का जो नाम आपने सुना होगा, अजूबा शब्द, वो देखने को लोगों को मिल रहा है, इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। इस बार भी अजूबा होगा 2019 में? 2019 में तो उससे बड़ा अजूबा होने वाला है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेयर की बात करें, विधायक की बात करें और सांसद चुनाव की बात करें, आपको लगता है सब में बीजेपी का कमल खिलेगा? 7 विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा, लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा, पार्षद जितने लड़ेंगे वहाँ कमल का फूल खिलेगा और मेयर अपना बनेगा, ये आप किसी कागज़ पर नोट कर लीजिए। सर आपने जिस प्रकार से कहा है कि राजनीति में तो बीजेपी का ही कमल खिलने वाला है 2019 में, अब थोड़ा आपकी पर्सनल, जैसे आपने जब हिसार में जब आए थे तो जो क्लासेस है आईआईटी की क्लासेस है, सबसे पहले कहा जाता है शुरुआत सुजीत कुमार जी ने की थी। मैंने सारे जीवन की हर चीज़ पहले ही शुरुआत की और उसको लेकर लोग आगे बढ़ते रहे, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबा बजरंग बली जी की अति कृपा है, वो मेरे हाथों से कुछ ऐसा काम करवाते हैं जो एक दूसरों को देखकर प्रेरणा का काम बनता है। जैसे कोचिंग सेंटर में जब यहाँ खोला तो नहीं था, राजनीति में भी मैं कल वहाँ बैठा हुआ था रैली में, वहाँ माननीय जिलाध्यक्ष जी बोले भाई तेरा तो स्टेचू लगेगा यहाँ पर, क्या कहते हैं, नलवा विधानसभा में, क्योंकि जब विधानसभा में मैं काम शुरू किया तो मेरे को डॉक्टर कमल गुप्ता ने 35 लोगों की सूची दी थी, आज मैं 3500 कार्डधारी मेंबर बना चुका, 2000 और बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आज 5 से 6 हज़ार कार्यकर्ता नलवा विधानसभा में हैं। तो जो भी काम में जहाँ भी मैं हाथ रखता हूँ बाबा हनुमान जी खुद रखते हैं, इसलिए जो IIT PMT की बात आप कर रहे हैं वो तो एक हिसार के लिए वरदान मिला हुआ है। लोग कोटा जाते थे, दिल्ली जाते थे, मोटे पैसे लगाते थे, वो तो मेरे हाथों से एक नींव पड़नी थी और इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है, लोगों का स्नेह था, लोग जुड़े और आज नंबर 1 पर हरियाणा एजुकेशन के मामले में हिसार जिला है। जब ये शुरुआत की थी तो उस समय क्या मन में था, क्या सोचा था? मन में यही था कि बच्चों के लिए कुछ करेंगे। उसका कारण सिर्फ ये था कि मेरे माता पिता एक छोटे से परिवार से, मेरे पिताजी टीचर थे, माताजी खेती किया करती थी, जब हम पढ़ाई करते थे तो वो मजदूरी एक तरह से करके, ये मान लीजिए, क्योंकि इतनी मोटी फीस वो नहीं दे पाते थे इंजीनियरिंग और मेडिकल की, ट्यूशन पढ़ाकर हम लोग पढ़ते थे। 3 भाई 4 बहनें थी और बड़े मुसीबत के साथ स्टोव पर मैं रोटियां बनाया करता था। मेरे को याद है मैं 4थी क्लास में खाना बनाकर खुद खाकर स्कूल जाता था, 4थी क्लास के बच्चे को आज के दिन हाथ भी धुलने नहीं आता है। हम लोग ने इतना संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में मेरे को 4 बार तो स्कूल से निकाल दिया गया, 4 बार कोचिंग सेंटर से कि जाओ तुम फीस लेकर आओ, तो मैंने कहा कि मैं कुछ देश के लिए करूँगा, तो मैंने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के माध्यम से गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। हर साल नवरात्रा में 10, 12, 15 बच्चों को गोद लेकर उनको साइकिल, उनकी किताब, उनको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपको क्या लगता है इसमें हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि आप हमेशा आपके कार्यालय में देखते हैं हम लोग कोई भी अड़चन में भी आता है उनको आप सजेस्ट करते हैं कि भगवान की आराधना की, हनुमान जी की कृपा की बात हमेशा करते हैं। मैं अपने कर्म, अपने से ज़्यादा मैं अपने किस्मत पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि किस्मत मेरे हनुमान जी इस किस्मत में बैठे हैं। मैंने कोई मेहनत नहीं की उससे डबल फल मिलता है, मैंने कोई पढ़ाई लिखाई ऐसी नहीं की फिर भी मैं आज इतनी बड़ी कोचिंग संस्था चला रहा हूँ, मेरी किस्मत, मेरे हनुमान जी दोनों मेरे साथ हैं और आप लोग जैसे बड़े भाई बहनों का मेरे को आशीर्वाद और स्नेह जो प्राप्त है, इसके कारण मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन कोचिंग सेंटर को लेकर अभी हाल ही में खबर आई कि रेड पड़ी थी उसमें,
ऐसा है मैडम, सर्वे का सिलसिला चलता रहता है, सरकार का ये काम है। एक आप इसको भी एक पॉजिटिव संदेश में लेकर चलें, हम मेरी सरकार केंद्र में, मेरी सरकार हिसार में, मेरे यहाँ सर्वे वाले 2003 में भी आए थे, जो हरियाणा की सबसे बड़ी इनकम टैक्स की रेड आप मान लीजिए। मेरी उम्र मात्र 20 साल थी, मेरे को तो ये भी नहीं पता था ये होता क्या है। उसके बाद में फिर मेरे ऊपर सर्वे चलता आ रहा था, और फिर अभी 4 दिन पहले मेरे ऊपर सर्वे हुआ है, और जिसकी तारीख कल है, बैठकर देखेंगे क्या इसमें है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ किसी विपक्ष का या किसी का हाथ है, कि या एक रूटीन, इसको एक आप प्रक्रिया मान? तो रूटीन कह सकते हैं, रूटीन ही मानूंगा। अब आप विपक्षों पर क्या कहना चाहेंगे सर? नज़दीक आ रहा है चुनाव, 1 साल से कम बचा है समय। विपक्ष के नेता अभय चौटाला जी के हाल आपने देख लिया, विपक्ष के नेता भूपेंद्र जी हुड्डा जी का हाल देख लिया, हुड्डा जी अलग, किरण जी अलग, उनके प्रदेश अध्यक्ष अलग, कांग्रेस पार्टी 4 दलों में बढ़ चुकी है, 4 अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं, 4 मुख्यमंत्री मानते हैं। इसी तरह से अभी कल मैंने ID में देखा, दुष्यंत सिंह चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री, अभय सिंह चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री। ये विपक्ष टुकड़ों में बढ़ चुका है, विपक्ष नाम की चीज़ हरियाणा में नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि सुजीत कुमार जी मानते हैं कि विपक्ष हरियाणा में बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ इस बार चुनाव में BJP का ही कमल खिलेगा, और 2019 विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा। तो अगले बार एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते सर।